दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। आप सबका इस्तकबाल है A18 तेलंगाना न्यूज पर। ब्रेकिंग न्यूज नाजरीन, ओल मलकपेट के इलाके चादरघाट पुलिस स्टेशन हदूद में देर रात मशकूक मौत का वाकया पेश आया। तफसलात के मुताबिक आफरीन बेगम नामी खातून, जिसकी शेख आमिर से शादी हुई थी, आफरीन बेगम अपने मायके में थी और अचानक आफरीन की मौत वाकई हो गई। बताया जा रहा है कि आफरीन बेगम अपने वालिदा के घर पर पिछले 7 महीने से थी और अचानक जहर खाकर खुदकुशी किए या आफरीन बेगम का कत्ल किया गया, ये फिलहाल तहकीकात चल रही हैं। आफरीन बेगम की लाश को उस्मानिया मुर्दाखाना रवाना किया गया है पोस्टमार्टम के लिए। आफरीन बेगम के शौहर आमिर मुगलपुरा डिवीजन सुल्तान शाही के रहने वाले हैं। आफरीन बेगम की वालिदा ने इल्ज़ाम लगाया कि आफरीन का कत्ल किया गया है। फिलहाल पुलिस तहकीकात में मसरूफ है, एक केस दर्ज कर लिया गया है, पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि आफरीन बेगम और शेख आमिर के बीच शादी हो गई, उसके कुछ दिन बाद ही आफरीन बेगम के शौहर और ससुराल वाले आफरीन बेगम को हरासा करना शुरू कर दिए। आफरीन बेगम 2 दिन पहले ही अपने मां के घर ओल मलकपेट में आ गई और आज शाम जब घर पर कोई नहीं था, आफरीन बेगम ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। आफरीन बेगम की माँ ने ये सब सारी तफसलात मीडिया से बात करते हुए कहा। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करके उस्मानी हॉस्पिटल मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया और तहकीकात शुरू कर दी। देखिए ये रिपोर्ट। हर अहम खबर से बाखबर रहने A18 तेलंगाना न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट A18 तेलंगाना न्यूज। पासे मेरी बच्ची को टोचर आन दिए, जोड़े की रकम 2 लाख दियो बोले, पेपर आ डिबो उसके करे सो अबॉर्शन के पेपर आ दिए तो निकेखानी करते बोले, निकेखानी करे बस 1 महीना 1.5 महीने वहाँ रखे टोचर आन दे के मेरे घर में लाके रखे। उसके बाद मेरी बच्ची रोज़ फोन आ करती थी, कब आ रहे, मैं नहीं आता हूँ यही बोलता था। मेरी बच्ची आज सुसाइड कर ली, क्या खा ली क्या पी ली वो अल्लाह को मालूम है। मेरी बच्ची फारुख और क्या बोलते सो तखी आमिर और ये मेरून, ये 4 जने मेरी बच्ची की जान लिए, इंसाफ लेना मेरी बच्ची की। बस ये बोरी 20 साल की बच्ची है, 20 साल में 5 बार अबॉर्शन हो गया। अबॉर्शन गोलियां खिलाते थे, 4थे 5वें बार 5 महीने की 4 महीने की है तो जब अल्फा दवाखाने में 4 जने मिलके लेके गए, तुम डरो नको तुम्हारी बच्ची को हम अच्छा रखते बोले। और फारुख सामने आ रहा था, फारुख बोला तुम लगा डरो नको, मैं साथ देता हूँ आंटी तुम्हारा, मैं साथ देता हूँ। आज मेरी बच्ची को खबरसन को भावच का मुरीद है, उन्हें भावच सिखाए सर का, मेरून सिखाए सर का, आमिर भी इमरान इन लगा मिलकर सब करते कामा। मेरी बच्ची को रोड पे करे, मेरी बच्ची कल ये टाइम दावत में थी, आज क्या बोला कि मरद क्या नहीं की, वो क्या पी ली अल्लाह को मालूम है। कल आज सुबह तक भी अच्छी थी, दवाखाने को ले गए तो सुसाइड कर दी बोल दी मेरी बच्ची। हाँ वीडियोग्राफर है, अब 9वां महीना हुआ शादी होके, 9वें महीने में 1.5 महीना च रखे। उसके बाद टोचना मेरी अम्मा ने रहना बोली, मेरे घर को आ जाना बोली, ऐसा करना वैसा करना, कैसा बोले सा मारना, मुख्य देना, गर्म पानी ऊपर डाल देना, सब ऐसी करे तभी सबर कर। वहाँ को भी मैं बोली घर को आए बात से, मेरे लोग बहुत अच्छे लोग हैं, जाके बोलेंगे चलो, नहीं मेरा भाई बाहर है, इज्जत चली जाती, मेरे को लगा खराब आ उन लोग करे। मीर का दायरा सुल्तान शाही मीर के दायरे में, हाँ अब वहाँ से इज्जत के खातिर मलकपेट में, वो मलकपेट में आ गए कागज के कार। अब 5-6 महीने से हमारे, 4 महीने से हमारे पास बच्ची, अब 4 महीने से रोज फोन आ करे करे, अब कल से टोचर हद से ज्यादा फोन आ करा गए। अब वो लगा क्या खिलाए अल्लाह को मालूम, 5 महीने से आपके पास बता रहे हैं आप, तो फिलहाल आपके पास अब अंदर उन्हें क्या खाई अल्लाह को मालूम है। वो आमिर क्या बोला क्या खाए तो मर जाते, बात करे तो ये बोलती थी आमिर मेरे को ये चीज खाओ बोले, क्या खाओ बोले, नहीं एक टाइम आया तो मैं तुम लोगों की इज्जत को उछालती नहीं अम्मा, मैं मर गई मरे बात से उन लोगों का, उनको जो करना है कर लो, मेरी गलती उन लोगों का करे। तुम मेहनत करने जाते थे सारा दिन, मेहनत करके शाम में आए तो क्या मेरून ऐसा बोलते, अरे जाओ जी तुम्हारे घर में, तुम बोलते थे अम्मी उन लोगों के संगत करो, तुम जो भी करो।